हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और मैं आज आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर है 12.17। कंप्लीट ईच सिंथेसिस ऑफ गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ रिएक्शंस इसमें कंप्लीट करने हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे। ये बोर्ड में 1 से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो है इथाइल बेंजीन से आपको KMnO4। आप अपनी बुक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं और ये रिएजेंट दिया गया है आपको KMnO4। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि KMnO4 या फिर एल्कोहलिक हो या एल्काइन मीडियम, जो एल्काइल पार्ट है, यहाँ पर जो भी एल्काइल पार्ट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से कि इसमें अगर मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, इथाइल हो, मींस जो इसमें बेंजीन से अटैच्ड कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन, इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो जितने भी कार्बन होंगे वो सभी चेंज हो जाएंगे COOH में, मीन्स फाइनल प्रोडक्ट आपका बेंजोइक एसिड होगा। तो ये है इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो क्या है, इसमें दिया है डाइथैलिक एसिड नहीं दिया है, और इस तरीके से ये COOH एंड ऑर्थो पोजीशन पर ही COOH होगा। अब आप देख रहे हैं ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड, और इसमें रिएक्शन करवाई गई है SOCl2 से। ये जो SOCl2 है वो होता है थायोनिल क्लोराइड। इसकी स्पेशलिटी है कि ये जो Cl होता है वो इस OH और इस OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl से, और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा C डबल बॉन्ड O और OH की जगह पर Cl आ जाएगा, और दूसरा COOH में भी जो OH होगा वो Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद SO2 गैस प्रोड्यूस होगी और HCl गैस प्रोड्यूस होगी। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो यही होगा जो आपके सामने मैंने बनाया। अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड इसका पार्ट, ये देख लें थर्ड पार्ट इसमें क्या है कि हमें बेंजल्डिहाइड से सेमी कार्बाजाइट की रिएक्शन करवानी है। बेंजल्डिहाइड को हम बना लेते हैं, ये लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये है बेंजल्डिहाइड। और सेमी कार्बाजाइट क्या होता है, एच, इसको मैं एक्सपेंड करके बना रहा हूँ एच एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, दिस इज सेमी कार्बाजाइट। मैं आपको ऑलरेडी अपने इस चैप्टर के डिटेल्स रिएक्शन में बता चुका हूँ, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि सेमी कार्बाजाइट की जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो NH2 होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ये वाला जो N है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, ये वाला जो N है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और इस रिएक्शन की ट्रिक ये है कि जो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच होंगे वो एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और आपको एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। सी एच अपनी जगह है, डबल बॉन्ड एन, उसके बाद एन एच, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। ये जो प्रोडक्ट बना है वो बेंजल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन है, क्योंकि इसमें बेंजल्डिहाइड और सेमी कार्बाजाइड के रिएक्शन से फॉर्मेशन हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका बेंजीन टू बेंजोफेनॉन, फोर्थ पार्ट है ये बेंजीन टू बेंजोफेनॉन, मींस इसमें आपको रिएजेंट बताना है कि क्या होगा। ये है बेंजोफेनॉन, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि किसी में आपको प्रोडक्ट पूछ सकते हैं और किसी में आपसे रिएजेंट पूछ सकते हैं।
तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन कहा जाता है, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 होती है। ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और ये जो Cl है और इस बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको बेंजो फिनॉन और HCl बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बताया गया है, देखिए फिफ्थ पार्ट में इसमें क्या किया है, एक कंपाउंड लिया है कुछ इस तरीके से, जिसमें CHO, सॉरी इसमें बेंजीन नहीं है, ये मैंने गलत नोट कर दिया, ये CHO है और इसके अपोजिट साइड यानी फोर्थ पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है, और इस पर यूज किया गया है टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस, और ये हुआ प्लस साइन। ध्यान रखिए टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसमें जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ये कीटोन ग्रुप है इस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मेन रीजन यही है कि आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे या इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ध्यान रखिए टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा और ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और AgNH3 का फॉर्म होगा Ag यानी सिल्वर मिरर, और NH3 गैस निकल जाएगी और साथ में बनेगा H2O। ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट इस फिफ्थ पार्ट का। अब उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, देखिए क्या है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक बेंजीन रिंग है और जिसमें CHO है और ऑर्थो पोजीशन पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में यहां पर दिया है NaCN प्लस HCl। अब ध्यान से देखिए ये जो NaCl HCl है उसमें Na और Cl क्या बनाएगा, HCl और NaCl बनाएगा, और जो NaCN का CN पार्ट और H है वो बनाएगा HCN। ये जो HCN है वो ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस CN माइनस में, और जो ये CN माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये है पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव कार्बन, और ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, यहां पर फॉर्म होगा साइनोहाइड्रिन। देखने की बात यह है कि जो COH ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा, मींस उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसमें ये फॉर्म हो जाएगा OH और ये CN। तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट इस पार्ट का, साइनोहाइड्रिन ऑफ दी इनिशियल कंपाउंड। अब उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, और ये है इसमें दो रिएजेंट लिए गए, एक बेंजल्डिहाइड एंड एक प्रोपनल्डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा लिया गया है प्रोपनल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, और ये रिएक्शन हुई है NaOH के प्रेजेंस में। दोस्तों ध्यान रखिए कि NaOH जब भी दिया हो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक पॉसिबिलिटी होती है कैनिजारो रिएक्शन और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एल्डोल कंडेंसेशन।
जब भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, अदरवाइज कैनिजारो रिएक्शन होगा। दोस्तों मैं एल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल्ड में अपने यूट्यूब पर ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो है अल्फा, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो अल्फा। ध्यान रखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल करेगा, मतलब ये है कि यहाँ पर दो अलग अलग एल्डिहाइड हैं, क्रॉस एल्डोल होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो चार एल्डोल प्रोडक्ट बनते हैं, जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो फाइनल हो चुका है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा इसी का सिंपल एल्डोल, मतलब इसी के साथ इसका दूसरा मॉलिक्यूल यानी प्रोपेनाल्डिहाइड प्लस प्रोपेनाल्डिहाइड मिलकर एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे, और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें ये जो होगा वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो देखते हैं इसके क्या प्रोडक्ट होंगे। सी ये बन गया, उसके बाद सी ओ एच एच, मैंने कहा ये कार्बन इससे अटैच होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3CHO, ये लीजिए, ये बन गया इसका फर्स्ट प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट होगा इस प्रोपेनाल्डिहाइड का सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट, वो क्या होगा, CH3CH2COHH CH CH3CHO। इसमें इम्पॉर्टेंट बात देखने की ये है कि जो प्रोडक्ट जो आपने बनाए हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी होने चाहिए। तो देखिए OH जो है वो बीटा पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये सही है, और यहाँ पर अल्फा बीटा, जो OH है वो बीटा पोजीशन पर है, इसका मतलब ये भी सही है। तो अब हम देखते हैं एट्थ पार्ट जो कि है कुछ रिडक्शन से रिलेटेड, और इसमें आपको एक कंपाउंड दिया गया है CH3CO CO CH2, उसके बाद है CO OC2H5, ये आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पर जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, और किसी को ये रिड्यूस नहीं करता। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो लिखा हुआ है ये है कीटोन, और ये जो लिखा हुआ है ये है एस्टर। मैंने अभी बताया कि NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, मींस एसिड एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ इस कीटोन को रिड्यूस करेगा और इस एस्टर को एज इट इज छोड़ देगा। तो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, CH3CHOH और CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट जो NaBH4 के रिडक्शन करने के बाद बनेगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है जो है नाइन्थ पार्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ, ये बहुत ही सिंपल है कि इसमें एक इस टाइप का ये दिया हुआ है और इस पर सिर्फ यूज करना है CrO3, और ये CrO3 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लीजिए ये CrO3 जो होगा वो इस OH यानी सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इस तरीके से ये हुआ नाइन्थ पार्ट। अब उसके बाद है टेंथ पार्ट, ठीक है। टेंथ पार्ट में क्या है, इसमें दिया हुआ है एक इस तरीके से एल्कीन, और आपको बनाना है, इसमें कहा गया है कि आप ये बनाइए CHO।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको टर्मिनल पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म करना है, तो इसमें आपको टर्मिनल पोजीशन पर अल्कोहल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए एक रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है BH3 यानी हाइड्रोबोरेशन, एंड दूसरा पार्ट इसका होता है H2O2 एल्कलाइन मीडियम। यानी ये दो रिएक्शन एक ही रिएक्शन में आती हैं, और ये है हाइड्रोबोरेशन और ये है ऑक्सीडेशन, और इससे क्या बनेगा, इस तरीके से CH2OH यूज होगा। ठीक है, अब जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जो हमने यहाँ यूज किया था उसी के प्रेजेंस में, CrO3 के प्रेजेंस में, तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये रिएजेंट लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और दूसरा रिएजेंट लिखेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, जो है 11th पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, एक इसमें सबस्ट्रेट फॉर्म करना है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ। इसमें पहले क्या दिया है, फर्स्ट रिएक्शन है ओजोन की, और सेकंड रिएक्शन है ओजोन लिसिस का सेकंड पार्ट जो होता है जिंक और H2O के प्रेजेंस में, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म हो रहा है। ध्यान रखिएगा ओजोन लिसिस में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ओजोन लिसिस का प्रोडक्ट बनाना हो या फिर इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाना हो, मतलब दोनों अपोजिट, तो उसके लिए एक मेरी ट्रिक है कि आप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कीजिए, जो ये वाला जो कार्बन है इस पर आप डबल बॉन्ड ओ अटैच कर दीजिए और इस पर डबल बॉन्ड ओ, इस मींस इस तरीके के दो मॉलिक्यूल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये था जो 12.17 नंबर क्वेश्चन है NCERT का। ऐसे ही आप मेरे इस YouTube चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, मैं आपको नए नए ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू रिएक्शंस और क्वेश्चन को समझाता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।